तो कवि कुंवर पाल सिंह चौहान निर्द्वंद ने जब पहला चैप्टर अपना लिखा, उस चैप्टर का नाम दिया कन्या। तो क्या कन्या में कवि कुंवर पाल सिंह चौहान निर्द्वंद जी लिखते हैं, उसको अभी हम यहाँ काव्य के रूप में पढ़कर, जैसा उन्होंने लिखा है उसी को पढ़कर मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो कवि कहते हैं, जब कन्या रूप धरो तुम, जब कन्या रूप धरो तुम, देवी का रूप कहाती। जब कन्या रूप धरो तुम, देवी का रूप कहाती। श्रद्धा के भाव जगा कर, श्रद्धा के भाव जगा कर, मानव से पूजा पाती। तो कन्या को इतना पूजनीय बताया है, ठीक है ना, कि श्रद्धा का भाव ऑटोमेटिकली स्वतः ही जागृत होता है और मानव पूजा करते हैं, और कन्या रूप में ही आपको देवी की तरह पूरे संसार में, पूरे विश्व भर में पूजा जाता है। अगले कुछ शब्दों में कवि कहते हैं, वह भोला मुखड़ा तेरा लगता है कितना शोभित, तो वह कन्या रूप अनोखा करता है जग को मोहित। मैं रिपीट करता हूं, वह भोला मुखड़ा तेरा लगता है कितना शोभित, तो वह कन्या रूप अनोखा करता है जग को मोहित। जब कन्या रूप में होती हैं पूरा जग आपकी तरफ आकर्षित होता है, एक अफेक्शन का, एक प्रेम का भाव आपके लिए जागृत हो जाता है। हस्ती हो जब खिल 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 पुष्पों की वर्षा होती, जब रोने को लग जाती तो मोती लड़ी पिरोती। पुनः कवि कहते हैं, हस्ती हो जब खिल खिल, हस्ती हो जब खिल खिल पुष्पों की वर्षा होती, जब रोने को लग जाती तो मोती लड़ी पिरोती। तेरी मधुर हंसी से प्रकृति लगती मुस्काने, यानी जब आप मुस्कुराती हैं, जब कन्या मुस्कुराती हैं, ऐसा लगता है प्रकृति भी मुस्कुराने लगी है। तेरी मधुर हंसी से प्रकृति लगती मुस्काने, तेरा उदास मुखड़ा जग को लगे रुलाने। लेकिन जब आप उदास हो जाती हो तो पूरा जग भी उदासी की तरफ बढ़ने लग जाता है। कवि कहते हैं, मन बहलाया करती तुम सबकी राज दुलारी, बन गुड़िया जैसी सुंदर आंखों को लगती प्यारी। मन बहलाया करती तुम सबकी राज दुलारी, बन गुड़िया जैसी सुंदर आंखों को लगती प्यारी। आगे पुनः कवि कहते हैं, वह रूप सलोना तेरा, वह रूप सलोना तेरा सबका हृदय लुभाता, जो देखे तुमको बरबस वह अपना नेह लुटाता। वह रूप सलोना तेरा सबका हृदय लुभाता, वो देखे तुमको बरबस वह अपना नेह लुटाता। कवि ने बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया है। कन्या को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे कवि कहते हैं, प्रकृति की सुषमा जैसी वह कोमल कांति मनोहर, जगती को मोहित करती वह भोली सूरत सुंदर। प्रकृति की सुषमा जैसी वह कोमल कांति मनोहर, जगती को मोहित करती वह भोली सूरत सुंदर। वो चंचल शोक अदाएं, बच्चे जब होते हैं छोटे, जब छोटी कन्या होती है बहुत एक्शन दिखाते हैं बच्चे, है ना, बड़े प्यारे होते हैं बच्चे। वो चंचल शोक अदाएं वो और आंखों का मटकाना, वो चंचल शोक अदाएं और आंखों का मटकाना, लगता है कितना अद्भुत तो गुड़ियों का ब्याह रचाना। जब मैं अपनी बिटिया को देखता तो मैं देखता कि गुड़ियों के साथ खेलती रहती हैं हर समय। बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को, कन्याओं को गुड़ियों के साथ खेलती हैं,
और ये जो कवि ने जो वाक्य लिखा है, बड़ा ही मनोहर दृश्य है कि वो चंचल शोक अदाएं और आंखों का मटकाना, लगता है कितना अद्भुत गुड़ियों का ब्याह रचाना। कवि की कल्पना कितनी मनोहर है यह देख के पता चलता है। वह मधुर मधुर संभाषण गुड़ियों के बीच करो तुम, गुड़ियों की रानी बनकर गुड़ियों पर गर्व करो तुम। मजेदार बात यह है कि वो केवल गुड़ियों का ब्याह नहीं रचाती हैं, गुड़ियों के साथ खेलती नहीं हैं, बल्कि गुड़ियों के बीच में जाके बैठ जाती हैं और गुड़ियों की तरह ही व्यवहार करना स्टार्ट कर देती हैं, गुड़िया ही बन जाती हैं। वह मधुर मधुर संभाषण गुड़ियों के बीच करो तुम, गुड़ियों से बातें करती हैं, मधुर मधुर संभाषण करती हैं। तो वह मधुर मधुर संभाषण गुड़ियों के बीच करो तुम, गुड़ियों की रानी बनकर गुड़ियों पर गर्व करो तुम। और गुड़ियों की रानी बन जाती हैं, ये भी कई बार देखा, ऐसा प्रतीत होता है कवि की कल्पना एकदम बहुत ही अच्छी, मतलब उन्होंने सारी चीजों को देखा और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बयां कर दिया, चंद शब्दों में ही उसको बयां करके बहुत अच्छा एक कार्य किया जो कि आगे आने वाली जनरेशन को प्रेरणा के रूप में दिखाई देता है। तितली सी रंग बिरंगी, तितली सी रंग बिरंगी, इधर उधर हो फिरती, तितली सी रंग बिरंगी, इधर उधर हो फिरती, पौधों के नीचे छिपकर फूलों से बातें करती। क्या कहा? तितली सी रंग बिरंगी, जो बेटी होती है, छोटी कन्या होती है, एकदम तितली सी रंग बिरंगी, है ना, तितली सी रंग बिरंगी, इधर उधर हो फिरती, पौधों के नीचे छिपकर फूलों से बातें करती। जब नन्हे कोमल कर से चुनती हो कोमल कलियां, जब नन्हे कोमल कर से चुनती हो कोमल कलियां, तो लगता कितना मोहक ज्यों बातें करें तितलियां। जब नन्हे कोमल कर से चुनती हो कोमल कलियां, तो लगता कितना मोहक ज्यों बातें करें तितलियां। जो ईश्वर तुमको देता वह रूप मनोहर लगता, तुम कभी परी बन जाती पर कभी पर कोई तितली कहता। पुनः पुनः कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर ने सारा मनोहर रूप आपको दिया है, कभी आप परी बन जाती हैं फिर भी लोग आपको तितली की तरह कहते हैं। तो पुनः मैं इसको पढ़ता हूं कि जो ईश्वर तुमको देता वह रूप मनोहर लगता, तुम कभी परी बन जाती पर कोई तितली कहता। आगे कभी कहते हैं, तुम सबको लगती प्यारी, तुम सब तुमको गोद खिलाते, अपना सब नेहल उठाकर मन ही मन में हर्षाते। पुनः कभी कहते हैं कि तुम सबको लगती प्यारी, सब तुमको गोद खिलाते, अपना सब नेहल उठाकर मन ही मन में हर्षाते। आगे कभी पुनः कहते हैं, तुम अपने भोलेपन से, कन्या के बारे में क्या कह रहे हैं कभी कि कन्या सबसे भोली होती है, तो तुम अपने भोलेपन से सब जग को वश में करती, तुम मीठे बोल सुनाकर दुखियों के दुख को हरती। जो छोटी बिटिया होती है या जो बिटिया होती है, जो कन्या कन्या रूप में होती है, वो इतना मधुर भाषण देती है, इतना मीठा बोलती है कि दुखियों के सारे दुख को हर लेती हैं। तो तुम अपने भोलेपन से सब जग को वश में करती, तुम मीठे बोल सुनाकर दुखियों के दुख को हरती। सारे दुखों को हरने वाली है कन्या। कोई न कभी बन पाया बस तेरे एक बराबर। कवि कहते हैं, कोई न कभी बन पाया बस तेरे एक बराबर, तुम जैसा अद्भुत प्राणी ना कोई अन्य धरा पर। कवि ने कहा है कि कन्या स्वरूप कोई भी दूसरा प्राणी इस धरा पर नहीं हो सकता,
इतना मनमोहक, इतना प्रेम पूर्वक रहने वाला, ठीक है ना, सभी के मन को हर्षाने वाला, इतना आप कह सकते हैं देवी रचना, जो कन्या के रूप में इस धरती पर विराजमान है, जो स्वयं देवी है, देवी का रूप है, उससे बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। तो कन्या ही कन्या सबकी पूजनीय है। मैं कवि को, कवि के इन वाक्यांशों को और उस कन्या को, उन सभी कन्याओं को प्रणाम करता हूं जो कि पूरे जगत में देवी के रूप में पूजी जाती हैं। धन्यवाद। जब मैं संपादकीय को पढ़ रहा था कवि के, तो कवि ने पहला जो चैप्टर लिखा वो कन्या ही लिखा। और कवि कहते हैं माता वैष्णो देवी, जब नवदुर्गा होता है, कन्या को वहां पूजा जाता है, तो नवदुर्गा वाले दिन कवि के मन में ये विचार आता है। अचानक से वो चैप्टर एक किताब, मतलब एक चैप्टर का, एक अध्याय का रूप लेता है। कवि ने उस कल्पना को लिखना स्टार्ट किया और अपने बच्चों और अन्य लोगों की प्रेरणा से इस पूरी पुस्तक को, जिसमें कि आगे के चैप्टर, आगे के जो अध्याय हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, कि कन्या जो पहला अध्याय था, दूसरा किशोरी, मुग्धा, पत्नी, मंत्राणी, माता, सास, बहू, गृहिणी, शासिका, सेविका, दादी, नानी, नानी के रूप में कितनी अच्छी होती है माँ, अम्मा के रूप में कितनी अच्छी होती है माँ, नारी की शत्रु नारी, स्त्री और नारी नर, और नारी नर की प्रेरणा, इस तरह के अध्याय को हम आगे पढ़कर सुनाएंगे। धन्यवाद। आज का हम इस चैप्टर को यहाँ विराम देते हैं, इस अध्याय को विराम देते हैं। कन्या चैप्टर खत्म हो चुका है। धन्यवाद।